जब बशरियत के पर्दे आ जाए उस वक्त भी जलवाए खुदा की ख्याल में, हाल में, चाल में, उसी में डूब जाओ ताकि बशरियत के अंदर रहते हो भी खुदा पर नजर रखे, बशरियत में रहते हुए भी खुदा पर नजर रखो, चलते हुए याद खुदा। और इसका मैं आसान तरीका बताऊं जो मैंने आजमाइश किया हुआ है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की एक चीज बताने लगा, सुभान अल्लाह, बड़ा सारा, जिस तरह ये लिखा हुआ अल्लाह सुनहरी रंग का जिस तरह लिखा हुआ मिले तो इसके बावजूद बैठो, दो जानू बैठो और सामने रखो, बिल्कुल सामने करीब नहीं, थोड़ा फासले पर सामने रखो, उस वक्त पढ़ते जाओ या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान या रहीम, और आंख झपकना नहीं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते चले जाओ और पढ़ते चले जाओ। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि या अल्लाह या रहमान या रहीम ये पढ़ना कम हो जाएगा बल्कि बंद हो जाएगा और वो जो सामने लिखा होगा अल्लाह 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 उसकी चमक अंदर पड़ेगी और जब अंदर की तरफ देखोगे तो वो सामने लिखा हुआ नक्श नज़र नहीं आएगा, ये दिल एक तख्ती सामने आएगी उस पर लिखा होगा अल्लाह अल्लाह, उससे जो जलवे उठेंगे पेशवाहिद सोफ्तन यहाँ आके साबित होता है, तन्हाइयों में भी मजलसों में भी। और जब ये आदत आपकी पुख्ता हो जाए तो कोई महफिल भी आपके दिल को वीरान नहीं कर सकती, निशाना गलत नहीं कर सकती, ख्याल में मद्दो जजर नहीं पैदा कर सकती और तबीयत के अंदर ही जान बर्पा नहीं कर सकती, आप महबूब के कुर्ब के नशा आपको बेदार रखेगा, बेदार रखेगा। उसके होते हुए अपना आप देखो ये भी कोई है तो मुकाम, जब वो है तो बस वही है, जब वो है तो वो ही है और वो हर वक्त है, सिर्फ बंदा गाफिल, पर्दा उठ जाए अल्लाह गनी तो फिर हिजाबात उठ जाए जब, तो फिर वह कुरु की मंजिल में होता है, फिर उसकी जबान बोलती है, आंखें बोलती हैं, दिल दिमाग रूह तन मन जिगर खून के कतरे बोलते हैं और रगें बोलती हैं, पट्ठे बोलते हैं, बाल बाल बोलता है और अल्लाह का जिक्र करता है।